हेलो जी, कैसे हो आप सब? सबको मेरे नमस्ते। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाएंगे बनाना पैनकेक बनाएंगे। मैंने दो बनाना एकदम पके हुए लिए हैं, उनको चम्मच से हम मैश कर लेंगे अच्छे से। उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हमें इसका एक अच्छा सा बैटर बन जाए। ये मैं चम्मच से अच्छे से मैश कर रही हूँ इसमें। अभी मैं एक कटोरी इसमें मैदा डालूंगी। आप आटे से भी बना सकते हैं, आटा और मैदा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। मैंने दो कटोरी इसमें मैदा डाला है और मैंने 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। 4 बड़े चम्मच मैंने चीनी ऐड की है इसमें, और इसमें थोड़ा मैंने बेकिंग सोडा डाला है। और अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें सब चीज़ों का अच्छे से एक बैटर बना लेंगे गाढ़ा वाला। और इसमें हम फिर अच्छे से इसका बैटर बन जाएगा ताकि इसका हमें एक गाढ़ा वाला बैटर मिल जाए। 1 गिलास मैंने छोटा कांच का दूध का लिया है, दूध भी इसमें ऐड करेंगे। दूध और ये सब चीज़ें अच्छे से बैटर मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगा। ये देखिए ऐसे वाला बैटर। अगर आपको बैटर थोड़ा पतला लगेगा तो आप इसमें मैदा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। ऐसे वाला बैटर तैयार कर लेंगे। एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, उस पर थोड़ा सा मैंने घी लगाया है और उसको थोड़ा भी पहले मैंने पानी लगाया था, उसको साफ़ किया था। अभी ऑलिव ऑयल लगा के थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे इनको। तब अभी हमारा गर्म हो गया है। एक कड़छी बैटर लेंगे हम, कि अभी गर्म हो गया था। एक कड़छी बैटर लेंगे और इसको हम ऊपर से ऐसे नीचे तक डालेंगे। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप ही इसमें शेप आ जाएगी। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे। अब इसको हम ऊपर से थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये लीजिए, अभी मैं नीचे से देखूंगी, ये अच्छे से थोड़ा पक गया है। अभी इसको हम पलटी कर लेंगे, थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको हम पलटी कर लेंगे। दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसमें। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चों को हम इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं। एक और मैंने बना लिया है, उसके लिए फिर से हम बैटर डालेंगे। एक कड़छी ही बैटर भर के डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये अपने आप ही गोल शेप ले लेता है। अभी छोटे छोटे इसमें बबल बन जाते हैं तो इससे पता चल जाता है कि हमारा बैटर बहुत अच्छा बन गया है। अभी दूसरे को भी मैंने पलटी कर लिया अच्छे से। ये देखिए कितने हल्के हल्के से इसके ऊपर बबल आ गए हैं कि हमारा बैटर अच्छा बना है ये। इसको देखो मैंने पलटी कर लिया है। मैंने 3 बनाए थे। अगर आप इसमें एक पर हनी और चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही दिया था बच्चों को, उनको बहुत पसंद आया। आप भी बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए और बड़ों को भी खिलाइए। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो कीजिए। थैंक यू।